स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 12th इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग का पार्ट नंबर 12th, मनी एंड बैंकिंग पार्ट नंबर 12th, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक में सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो सैमुएलसन के वर्ड्स में, इकोनॉमिस्ट हुए पॉल सैमुएलसन, उनके वर्ड्स में लिखी। इन द वर्ड्स ऑफ सैमुएलसन, अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक। ए सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? बैंकर का बैंक कहते हैं। जितने भी कॉमर्शियल बैंक या जितने भी बैंक है उनका भी बैंक जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। जैसे हम लोगों का बैंक कॉमर्शियल बैंक, और लेकिन कॉमर्शियल बैंक और अदर जो बैंक्स हैं उनका बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंट्रोल मॉनिटरी बेस एंड हाईली पावर मनी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, वो क्या है कि मॉनिटरी बेस को कंट्रोल करना और मनी को क्रिएट करना, मनी करेंसी को कंट्रोल करना, मनी को सप्लाई करना। अगर बात की जाए अप्रोप्रिएट डेफिनेशन की, तो यहाँ पे बताया गया सेंट्रल बैंक इज़ अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स मतलब फाइनल इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनिटरी एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। जो मनी का और जितने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्री के अंदर, उनका ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन माना गया है। विच डेवलप रेगुलेट्स एंड कंट्रोल करेंसी। तीन बातें आती हैं यहाँ पे, कंट्रोल करना करेंसी को, डेवलप करना यानी कि पेपर नोट कॉइन इशू करना, रेगुलेट करना यानी कि सप्लाई करना, डेट इज़ अ सेंट्रल बैंक की ये पावर बताई गई। एंड क्रेडिट विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और कंट्रोल करना, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखा है। मतलब हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन हमारे इंडिया में किसको बताया गया है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको हम कहते हैं। इन इंडिया दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शोल्डर्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर द कंट्री। जितने भी मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट का भी बैंक इसी को कहा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर है उनको भी डेवलप करता है। तो हमने इसी वीडियो में बात करी है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। एक बार वापस से मीनिंग पे देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंक इज़ अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स इंस्टीट्यूशन है मॉनिटरी, अपेक्स मतलब सबसे बड़ा लार्ज इंस्टीट्यूशन, और मॉनिटरी एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरी एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ द कंट्री, विच डेवलप करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तीन बातें यहाँ पे आ जाएगी। एंड क्रेडिट भी देता है विद द एम ऑफ, इसका एम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्री का और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल बना के रखना कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर को। दैट इज़ अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में बात करी सेंट्रल बैंक की प्रॉपर डेफिनेशन एंड मीनिंग। थैंक यू।